स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम इस एनिमेशन को। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक डैम बना करके पानी को रोका गया है और इससे एक पाइप को कनेक्ट किया गया है जिसे पेनस्टॉक बोला गया है, और ये पेनस्टॉक डैम पर जहाँ पर कनेक्ट होता है इनटेक बोला गया है, जहाँ से हम पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पानी आज सीधा यहाँ से जाता है टरबाइन पर, और इस पानी के बहाव के कारण टरबाइन हमारी घूमती है, और टरबाइन जब घूमती है तो इससे सीधा कनेक्ट होता है शाफ्ट के जरिए हमारा जनरेटर, जो जनरेटर चलने लगता है, जिसकी वजह से इसमें लाइट पैदा होने लगती है, बिजली पैदा होने लगती है, और ये बिजली हमारे ट्रांसफार्मर के जरिए आगे भेज दी जाती है, और बचा हुआ पानी टरबाइन से नदी में वापस से भेज दिया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हाइड्रो पावर प्लांट से जुड़ी कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं। काफ़ी समय पहले इन नदियों के पानी को सिर्फ खेती और यातायात नाव के जरिए आवागमन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब इंसान ने देखा कि पानी के बहाव में इतनी ताकत है तो इंसान ने इसको इस्तेमाल के बारे में मंथन किया। उसके बाद लोगों ने इस पानी के बहाव का इस्तेमाल आरा मशीन, लकड़ी की आरा मशीन जो होती है उसको चलाने के लिए, और पिसाई की मशीन को चलाने के लिए नदी के किनारे इनको सेटअप करने लगा, यानी इनको वहाँ पे लगाने लगा। लेकिन जब फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया, जो कि घूमने के जरिए रोटर जिसका घूमता था जब बिजली पैदा होती थी, तो जब इंसान ने इस चीज़ को जान लिया तो उसके कुछ समय बाद इस पानी के बहाव का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में भी किया जाने लगा। और आज के समय में पानी के इस बहाव का इस्तेमाल बिजली बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉर्वे की, तो नॉर्वे में 96% यानी 100 में से 96% जो बिजली बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, यानी पानी से ही बनाई जाती है। इसके अलावा चाइना, अमेरिका, कनाडा, रूस, भारत, जापान, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी से बिजली बनाई जाती है। हिंदुस्तान में जितनी बिजली बनाई जाती है उसका 10.2% हाइड्रो पावर प्लांट से ही उत्पन्न किया जाता है, यानी 10.2% बिजली जो बनाई जाती है वो पानी से बनाई जाती है। बांध का नाम हर किसी ने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में डैम बोलते हैं। ये नदियों पर बहुत जगह पर बनाए गए हैं, और जैसे आपने सुना होगा बहुत बड़ी बड़ी जल परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीरा कुंड परियोजना, शरावती, ये जो परियोजनाएं हैं इनका मेन मकसद है पानी से बिजली को पैदा करना। हाइड्रो पावर प्लांट पर ज़्यादा जोर इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जो इससे बिजली बनती है उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि पानी जो नदियों का होता है उसी से ही लाइट बनाई जाती है, और कोई भी चीज़ इसमें कोयला वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा इसकी इफ़िशियंसी यानी दक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है, 90% होती है। अगर हम बात करें जो कोयले से बिजली बनाई जाती है उसकी दक्षता 30% होती है, और जो गैस से बिजली बनाई जाती है उसकी दक्षता 50% होती है, और जो पानी से बिजली बनाई जाती है यानी हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसकी दक्षता 90% है। हाइड्रो पावर प्लांट की इनिशियल कास्ट यानी प्रारंभिक लागत तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हमें नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं, उसके बाद ये इसमें पेनस्टॉक वगैरह, फिर अल्टरनेटर, टरबाइन और बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में लगती हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रारंभिक कीमत जो है, लागत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन जब एक बार इस पूरे सिस्टम को सेटअप कर दिया जाता है उसके बाद इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, यानी जो इससे बिजली बनती है वो बहुत सस्ती पड़ती है अगर एक बार इस प्लांट को सेटअप कर दिया जाए तो। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये प्लांट अगर एक बार सेटअप कर दिया जाता है तो ये बहुत लंबे समय तक चलता है। अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहले 1897 में दार्जिलिंग में पहली जल विद्युत परियोजना बनी थी वो अभी भी कार्यरत है, यानी कि 1897 से आज 2020 में भी वो कार्यरत है, अभी भी काम कर रही है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि इसका जीवन काल कितना ज़्यादा होता है। एक बार हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें बिजली की जो यूनिट है उसका रेट बहुत कम है, उसकी यानी जो बिजली जो पैदा होती है इससे हाइड्रो पावर प्लांट से उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। सिर्फ एक बार हमने अगर शुरुआत में इसमें पैसा लगा दिया तो फिर उसके बाद हमें नॉर्मल बिल्कुल बहुत ही कम रेट पर बिजली मिलती रहेगी। हिंदुस्तान में जो पानी से बिजली बनाई जाती है वो 40 गीगावाट बिजली जो है इससे बनाई जाती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन जो मेन पार्ट हैं हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, किसी नदी या नहर पर डैम बनाया जाता है, यानी कि बांध बनाया जाता है जिससे पानी को रोका जा सके और पानी की जो ऊंचाई है जो शीर्ष है उसे बढ़ाया जा सके। जब बांध बना करके पानी को रोक दिया जाता है और पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि बीच में कहीं पर कोई चीज़ सेटअप कर देंगे, चूँकि पानी ज़्यादा आ जाएगा तो उसे बरसात वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उसे हमें जो बांध होगा उसे खोलना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत ताकि पानी आगे निकल जाए। इसके लिए बीच में तो हम कोई चीज़ सेटअप नहीं कर सकते, तो नदी के किनारे पर थोड़ी कुछ दूरी पर हम ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ पे वो नदी का पानी जो ऊंचाई तक उठा वो आ जाए, और वहाँ पर हम क्या करते हैं एक पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। ये पाइप जो होता है जिसे इस फोटो में पेनस्टॉक बोला गया है, इस पेनस्टॉक से पानी जो है हमारा जाता है टरबाइन तक, यानी जहाँ पे हमने टरबाइन को लगा रखा है इस पेनस्टॉक के जरिए पाइप के जरिए पानी वहाँ तक हम ले जाते हैं। और ये पेनस्टॉक जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ पे एक लगा होता है इनटेक, जिससे हम पानी के बहाव को पानी की जो प्रेशर है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उसमें व्यवस्था होती है, ऐसी सेटिंग होती है कि हम चाहें तो पाइप के मुंह को ज़्यादा खोल दें और चाहें तो हम कम खोल दें। जैसा प्रेशर होता है पानी का उस हिसाब से हम इनटेक को खोलते हैं या बंद करते हैं। अब ये पेनस्टॉक के जरिए यानी पाइप के जरिए पानी जाता है हमारा टरबाइन तक पहुंचता है। टरबाइन एक ऐसी मैकेनिकल युक्ति है जिसकी वजह से हम जब इसमें पानी डालते हैं तो ये घूमती है और ये जब घूमती है तो इसमें जो सॉफ्ट लगा होता है उस सॉफ्ट से हमारा जुड़ा होता है जनरेटर, और जब ये पानी का बहाव जब इस पर पड़ता है टरबाइन पे तो ये घूमने लगती है, और जब ये टरबाइन घूमती है तो हमारा चूँकि टरबाइन से ही अब कनेक्ट हो गया हमारा जनरेटर, तो जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर भी हमारा चलने लगेगा, और जब जनरेटर चलेगा तो उसमें बिजली पैदा होगी। और इस बिजली को हम क्या करते हैं स्टेप अप करके, यानी चूँकि बिजली को हम जब भी ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें हम एक जगह से बिजली को जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे हाई वोल्टेज पर भेजते हैं क्योंकि उसमें हमारा लॉस कम होता है। तो अब जब अल्टरनेटर यानी जनरेटर में जब बिजली पैदा हुई तो उसे हमने ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर दिया, स्टेप अप करने के बाद उसे भेज दिया हमें जहाँ पे, चूँकि होता क्या है कि जहाँ पे नदी के किनारे जहाँ पे ये हमारा प्लांट होता है वहाँ पे आबादी नहीं होती, चूँकि नदी से थोड़ी सी दूर पे आबादी होती है और लाइट जितनी पैदा हो रही है ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह इस्तेमाल होगी, चूँकि बहुत सारी लाइट पैदा होती है वहाँ पे तो काफ़ी दूर तक हमें भेजना होता है, तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर से इसे स्टेप अप करके दूसरी जगह पे भेजते हैं। और जो पानी पाइप से आता है वो टरबाइन को घुमाता है, वो टरबाइन को जब घुमाता है वो पानी, उसके बाद ये पानी को की निकासी का एक रास्ता होता है
जिसे टेलरेस बोला जाता है, उससे हम इस पानी को नदी में वापस भेज देते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और हमारी लाइट कंटिन्यू पैदा होती रहती है। जैसा कि इसमें फोटो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डैम है, ये रिजर्वायर जिसे बोला गया है, और ये इनटेक है, ये पेन स्टॉक है जो पाइप हमने बताया आपको, और ये ट्रांसफार्मर है, और ये हाई टेंशन लाइनें हैं आपकी, और ये हो गया आपका, ये नदी है आपकी दोबारा जिसमें पानी जाता है, और ये पावर हाउस है, ये आपकी टरबाइन है, और ये जनरेटर है। और आखिर में एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये हमारा, आप देखिए इस एनिमेशन को, इसमें एक पाइप के जरिए पानी आता है बहाव से और इस हमारी जो टरबाइन लगी होती है इसको घुमाता है, और इससे जुड़ा होता है हमारा जनरेटर जिसमें जो कि हमारी बिजली पैदा करता है, और ये लाइट हमारी, ये जो बिजली पैदा होती है ये ट्रांसफार्मर के जरिए आगे चली जाती है, और जो हमारा बचा हुआ पानी होता है टरबाइन के बाद वो उसे दोबारा हम नदी में भेज देते हैं।